खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां बिजली पोल से अनियंत्रित मोटरसाइकिल टकराने से एक की मौत हो गई। आपको बता देंगे, उन्नाव जिले के मौरामा थाना क्षेत्र में हिलौली संदना के बीच छत्रपाल खेड़ा के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों की सहायता से CSC मौरामा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताते चले कि शनिवार की देर रात नंदकिशोर पुत्र रामलाल निवासी संदना और आशीष पुत्र सुद्धू निवासी रामपुर मजरे थाना रामपुर मजरे संदना दोनों लोग संदना से हिलौली ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। ये संदना से 1 किलोमीटर आगे छत्रपाल खेड़ा के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और एक बिजली के पोल से टकरा गई। टकराने की आवाज सुन वहां पास में रह रहे लोगों ने देखा तो उनके परिवारी जनों को सूचना देकर घायलों को आनंद फानंद CSC मौरामा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नंदकिशोर उम्र 21 वर्ष को मृत घोषित कर दिया और घायल आशीष की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौत की सूचना मिलते ही दिवंगत के परिवार में कोहराम मच गया, जहां मृतक की पत्नी किरण पुत्री रिद्धि व माता रामलली का रो रो कर बुरा हाल है। तभी घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया है। उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।